हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हो जहाँ पे भी हो। और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूँ प्रतिभा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप स्किनकेयर फैशन के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी क्रिम्पिंग कैसे करना है। बालों का जो हम लोग क्रिम्पिंग करते हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस किसी भी हेयर स्टाइल को करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके बालों में वॉल्यूम नहीं है, या तो फिर आपके किसी क्लाइंट का हेयर स्टाइल कर रहे हो बट आप देख रहे हो कि उनके बालों में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं, एकदम ही चपटे हैं ऐसे उनके बाल, तो उस केस में आपको क्रिम्पिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्रिम्पिंग से आपके बालों को एक अच्छा वॉल्यूम ऐड होगा और बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी ऐड होता है बालों में, ताकि आप लोग बहुत इजीली कोई भी हेयर स्टाइल कर सको और बहुत ही अच्छे, मतलब एक बार आप ब्लो ड्रायर क्रिम्पिंग करोगे ना तो आप ज्यादा बैक कॉम्बिंग नहीं भी करोगे ना तो बहुत ही प्यारा सा पफ भी आ जाता है। तो सब कुछ हम लोग सीखेंगे गाइज। तो आज मैं आप लोगों को बेसिक क्रिम्पिंग कैसे करना है ये सिखाऊंगी, बहुत ईजी है। तो आप लोगों को जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं वो मैं यहाँ पे आप लोगों को व्यू प्रोडक्ट्स करके भी एक टैब आता होगा मेरे वीडियो के यहाँ पे ही, उस पर क्लिक करोगे तो भी आप लोगों को प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिलेगी। और मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूरे प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी है अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे यूज करती हूँ सबके लिंक्स है, आपको आप लोग खरीद सकते हो अगर आपको चाहिए तो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का जो गिव अवे है मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो आज का जो गिव अवे है उसका जो गिफ्ट है, मतलब इस वीक का जो गिव अवे है उसका जो गिफ्ट है वो है ये मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट, शुगर एंड स्पाइस पैलेट, जिसमें आप लोगों को एक आई पैलेट मिलेगा और आई पैलेट के साथ आपको एक ब्लश पैलेट भी मिल रहा है। तो दोनों रखा है मैंने आपके लिए। सो आई होप आपको अच्छा लगा है आज का ये गिव अवे का गिफ्ट। अच्छा लगा है तो जल्दी से पार्टिसिपेट करो गाइस गिव अवे में। आप लोगों को बस इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और शेयर करो जहां पे आप कर सकते हो वहां पे भी फॉलो करना। मेरा आईडी है प्रतिभा सालियन 27। मेरा जो इंग्लिश चैनल है आप लोगों को वो भी वीडियो शेयर करना है और वहां पे भी कमेंट करना है। तो आई होप ये जो सिंपल रूल्स आप लोगों को पता चल गए हैं। तो लास्ट वीक जो हमारा गिव अवे हुआ था उसकी जो विनर है वो है नौशीन खान 27। सो नौशीन खान को मिलता है ये मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट और मेकअप फिक्सर। सो नौशीन खान प्लीज मुझे अपना एड्रेस मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू। एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस आज हम लोग क्रिम्पिंग कैसे करना है ये सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ईयर टू ईयर सेक्शंस, मिडिल सेक्शन ये सब निकालना है। तो मैंने मिडिल सेक्शन ऑलरेडी निकाला है गाइस, अभी मैं बस ईयर टू ईयर सेक्शंस निकालूंगी। अगर आपको नहीं पता सेक्शंस कैसे निकालने तो प्लीज मेरा ये वाला वीडियो देखना गाइस, उससे आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाओगे सेक्शंस निकालना। और फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले ईयर टू ईयर सेक्शन। तो कानों के ऐसे पीछे यहाँ पे रखना है आपको फिंगर को और फिर आपको एकदम ऐसे नीचे आना है और ये हो गया आपका ईयर टू ईयर सेक्शन। मैं अपना सेकेंड साइड में भी कर लूँ। बॉक्स सेक्शन निकालना है तो ऐसे होगा आपका ये बॉक्स सेक्शन। ये आपका बॉक्स सेक्शन। अभी गाइज मैं आपको क्रिम्पिंग दिखाना चाहती हूँ बट क्रिम्पिंग दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बॉक्स सेक्शन को कैसे ब्लो ड्राई करना है ये भी एक स्टैंड दिखाऊंगी सर, क्योंकि लास्ट वीक में मैंने आपको ब्लो ड्राई कैसे करना है ये सिखाया है बट मैंने आपको बॉक्स सेक्शन को कैसे ब्लो ड्राई करना है ये नहीं दिखाया था। और मुझे पता है आप लोग कर लोगे बट फिर भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि क्राउन सेक्शन को ठीक से ब्लो ड्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइज। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बस एक सेक्शन करके दिखाना चाहती हूँ कि इनकेस अगर आपको नहीं पता तो आपको क्या करना है, आपके क्लाइंट के आगे जाके रुकना है, ठीक है? अगर आपको फुल वॉल्यूम चाहिए क्राउन सेक्शन में, आपको आपके क्लाइंट के सामने के साइड, मतलब यहाँ पे सामने के साइड आपको खड़े रहना है आपके क्लाइंट के, और फिर आपको एक एक सेक्शन बालों का लेना है। तो मैंने अभी लिया है एक सेक्शन। तो सेक्शन कैसे लेना है ये तो सब आपको पता ही है। यहाँ पे राउंड ब्रश रखना है और फिर ऐसे आपको पूरा ब्लो ड्राई करना है, पहले रूट्स फिर मिड शाफ्ट और फिर लोअर शाफ्ट। तो ऐसे करने से क्या होगा ना, बहुत अच्छा वॉल्यूम आएगा उनका क्राउन सेक्शन में। तो पहले आपको रूट्स पे करना है ब्लो ड्राई। एंड्स को पूरा रोल कर लीजिए अपने कोन के अंदर और फिर आपको ब्लो ड्राई करना है। पूरा हमने 180 डिग्री में ब्लो ड्राई कर लिया है
अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे बालों को और 90 डिग्री में एक बार करेंगे, ठीक है, सीधा। तो ऐसे रखना है आपको कोम को, बालों के पीछे रखना है यहाँ पे, और फिर आपको ऐसे ब्लो ड्राई लेना है और ऊपर की तरफ जाना है, ऐसे ऐसे ऊपर जाना है 90 डिग्री में, ठीक है। पहले 180 में और फिर 90 में, तो ऐसे आपको ब्लो ड्राई करना है क्राउन सेक्शन। तो ऐसे ही एक 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 सेक्शन लेना है आपको, करना है। आई होप अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ब्लो ड्राई कैसे करना है। देख सकते हो बहुत अमेजिंग सा बाउंस दिख रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्रिम्पिंग कैसे करना है। तो गाइज अभी हम लोग क्रिम्पिंग स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने आपको ब्लो ड्राई भी दिखा दिया है क्राउन सेक्शन में कैसे करना है एंड ऑल, अभी हम लोग क्रिम्पिंग करेंगे। तो क्रिम्पिंग हमेशा याद रखिए कि आप लोगों को पूरे बालों पे क्रिम्पिंग करना जरूरी नहीं है। अगर आप लोग पीछे बन लगा रहे हो, रेडीमेड बन्स जो आते हैं ऐसे कुछ भी लगाने वाले हो, तो आप लोग क्रिम्पिंग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। बट अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है बालों में और आपको अच्छा एकदम हेयर स्टाइल करना है जिसमें वॉल्यूम की जरूरत है बहुत, तो उस केस में आपको क्रिम्पिंग करना है। मोस्टली आप लोग ईयर टू ईयर सेक्शन, क्राउन सेक्शन में ज्यादा आपको क्रिम्पिंग करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्रंट वेरिएशंस करते हैं या पफ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं ना, तो फ्रंट में करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे ईयर टू ईयर सेक्शन और क्राउन सेक्शन में क्रिम्पिंग करनी पड़ेगी। और अगर किसी के क्लाइंट के बालों में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है गाइस, तो आपको उस क्रिम्पिंग आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिम्पिंग से आपको अच्छा एक वॉल्यूम मिलेगा। हेयर प्रेप करने के लिए आपको सबसे पहले ब्लो ड्राई करना होता है, ब्लो ड्राई करने के बाद हम लोग क्रिम्पिंग करते हैं। और बहुत अच्छा वॉल्यूम है अगर किसी के बालों में, तो फिर आप लोग सिर्फ ईयर टू ईयर सेक्शन में थोड़ा क्रिम्पिंग कर लीजिए, अगर आपको कुछ एडवांस हेयर स्टाइल्स करने हैं पफ के लिए एंड ऑल। और पीछे अगर आप लोग क्रिम्पिंग नहीं भी करोगे, नॉर्मल उनके बालों का ही बन बनाओगे तो भी चलेगा। तो अभी क्रिम्पिंग में सबसे पहले आपको ईयर टू ईयर सेक्शन और क्राउन सेक्शन आज दिखाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा वॉल्यूम भी चाहिए होता है, तो कैसे आपको वॉल्यूम मिलेगा ये मैं आपको भी बताऊंगी। तो अभी मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन में एक पतला सा एक स्ट्रैंड लिया है, और यहाँ पे मैं अभी ये क्लिप लगा के इसको होल्ड कर रही हूँ पीछे बाकी के बालों को। तो हम लोग क्या करेंगे, ईयर टू ईयर सेक्शन में दो सेक्शन 90 डिग्री में क्रिम्पिंग करेंगे। अगर आपको ये डिग्रीज के बारे में पता नहीं है गाइस, तो आप लोग मेरा डे वन देखना, उसमें मैंने बताया है। तो ये जो है ये 90 डिग्री है, तो आपको 90 डिग्री में क्रिम्पिंग करना है। ये है मेरा क्रिम्पर, ये जो मेरा क्रिम्पर है वो डी शो का है, मैंने अमेजोन पे मुझे जो भी नॉर्मल ऐसे मिला मैंने ले लिया, अच्छा लगा रिव्यूज पढ़ने के बाद, तो मैंने वो लिया है। माइक्रो क्रिम्पर मैं यूज कर रही हूँ। तो माइक्रो क्रिम्पर मोस्टली ये ऐसे छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं इसके, एकदम छोटे छोटे होते हैं लाइंस, और जो बड़े बड़े क्रिम्पर्स होते हैं ना उसका जो ये जो है ये थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, यहाँ पे ऐसे प्लेट्स में बड़े बड़े ये लाइंस के बीच में अभी डिस्टेंस कम है राइट, तो ये माइक्रो क्रिम्पर है। अगर ये लाइंस के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होगा तो ये बड़ा क्रिम्पर हो जाएगा, बट मोस्टली हम लोग ये माइक्रो क्रिम्पर ही यूज करते हैं जब हम लोग क्रिम्पिंग करते हैं, ताकि ज्यादा दिखे ना क्लाइंट के बालों में कि क्रिम्पिंग की है, तो इसलिए हम लोग माइक्रो क्रिम्पर ही यूज करते हैं। तो आप लोग गाइज इंडिया में आइकॉनिक ब्रांड का माइक्रो क्रिम्पर ले सकते हो, बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा महंगा है। अगर आप प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप आइकॉनिक का ही लेना, बहुत अच्छा है। अगर आपको आइकॉनिक का महंगा लग रहा है तो आप लोग वेगा का ले सकते हो, या नॉर्मल कोई भी आप क्रिम्पर रेवलॉन का ले सकते हो, जो भी आपको चाहते हो, आपके बजट में जो भी बैठता है वो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप प्रोफेशनल वैसे यूज करना चाहते हो तो आइकॉनिक बेस्ट ब्रांड है। डमी के लिए भी जो भी इंस्टाग्राम साइट्स है गए जहां से आप लोग ले सकते हो, मैं उसका भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कौन से इससे ले सकते हो आप लोग। तो ये हो गया 140 डिग्री में है अभी मेरा, तो मैं कर रही हूँ ये 200 डिग्री में रख रही हूँ, या तो 220 में भी रख सकते हैं। तो 220 में रख रही हूँ मैं अपना क्रिम्पर हीट। तो ये अभी गर्म होने तक आपको रुकना है थोड़ा सा, और फिर हमेशा याद रखिए कि जो सेक्शन है वो मोस्टली आप लोग ऐसे आधा इंच का ले सकते हो, आधा एक इंच का। अभी मेरा क्रिम्पर बड़ा है, बट अगर आप लोग तो थोड़ा सा थिक है मेरा, बट दूसरे जो आते हैं क्रिम्पर जो आइकॉनिक का भी आप देखोगे ना तो ऐसे पतला है, तो उस केस में आप लोगों को छोटे छोटे बाल लेने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस लेने पड़ेंगे। बट बिकॉज मेरा थोड़ा सा थिक है तो मैं थोड़े ऐसे इतना, मतलब कितना है ये, 2 इंच का ले सकती हूँ। तो अगर आपका क्रिम्पर बहुत ही छोटा है तो आप लोग 1 इंच का ले। मैं कोई स्प्रे वगैरह यूज नहीं कर रही हूँ गाइस,
क्योंकि मैं आप लोगों को बिना स्प्रे का पहले सिखाना चाहती हूँ, और स्प्रे के साथ तो आप लोग कभी भी कर सकते हो राइट। एक बार आप बिना स्प्रे के हेयर स्टाइल्स करना सीखोगे तो स्प्रे के साथ तो बहुत इजी हो जाएगा आपको। तो अभी मैंने लिया है ये क्रिम्पर, और कैसे करना है आपको क्रिम्पर यूज वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोगों को हमेशा जब भी आप लोग यहाँ पे बाल रखोगे बीच में जब बाल रखोगे ना, तो आपको दोनों हाथों से क्रिम्पर को पकड़ना है ठीक है। तो एक हाथ से यहां से आपको प्रेस करना है और एक हाथ से यहां से आपको प्रेस करना है। तो दोनों साइड से आपको ऐसे प्रेस करना है ओके। ऐसे नहीं कि एक हाथ में आपने बालों को पकड़ा है और एक ही हाथ से आप क्रिम्पर चला रहे हो, ऐसे मत करना ठीक है। दोनों हाथ से आपको क्रिम्पर ही चलाना है ठीक है। और फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको रूट्स पे रखना है और फिर दोनों हाथ से ऐसे प्रेस करते जाना है ठीक है। तो मैं अभी ऐसे प्रेस कर रही हूँ, तो आपको थोड़ा जोर से ऐसे प्रेस करना होगा, प्रेस करते जाना है आपको ओके। तो एक के बाद एक आप लोग सेक्शन ले सकते हो, या तो ओवरलैप क्रिम्पिंग भी कर सकते हो। तो जैसे आप करना है आप लोग कर सकते हो। मैं एक के नीचे एक ले रही हूं, तो आप लोग ओवरलैप क्रिम्पिंग करोगे तो ज्यादा दिखेगा नहीं। तो ये हो गया एक सेक्शन। अभी मैं वापस और एक सेक्शन ले रही हूं। बहुत ही थिक सेक्शंस मत लेना गाइज। अभी ये 90 डिग्री में ही पकड़ना, सेट कर लीजिए। उसके बाद रूट्स पे क्रिम्पर को रखिए और फिर दबाना है, और कैमरा में एक्चुअली आप लोग इतना देख नहीं पा रहे होंगे, ऐसे क्लोजअप से दिखाओ तो बहुत अच्छे से क्रिम्पिंग हो गया है। तो ये अभी हमने 90 डिग्री में क्रिम्पिंग, तो क्या करना है आपको, ईयर टू ईयर सेक्शन का दो सेक्शन मैंने 90 डिग्री में किया है। अभी जो ये बाकी के ईयर टू ईयर सेक्शन के इतने बाल बचे हैं राइट, और उसको हमें 180 डिग्री में क्रिम्पिंग करना है गाइज। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं बट आपको याद रखनी है, क्योंकि इसी से आपको फुल वॉल्यूम मिलेगा और इसी से आपका काम एकदम बेस्ट दिखेगा गाइज। तो आपको अपोजिट साइड में आके रुकिए, मेरी यहाँ पे देख रही है राइट। तो मैं अभी उसको यहाँ पे उल्टा रख रही हूँ, तो आपको उल्टा खड़े रहना है क्योंकि आपको अभी 180 डिग्री में क्रिम्पिंग करना है। ये है हमारा सेक्शन ठीक है, यहाँ पे लिया है मैंने। तो वापस अभी एक सेक्शन लीजिए। तो ये सेक्शन लिया अभी मैंने, पतला सेक्शन, और अभी हमें क्या करना है, ऐसे क्रिम्पिंग करना है। तो बालों को पूरा ऐसे रखिए, आई होप आपको ठीक से दिख रहा है, और फिर आपको क्रिम्पर को ऐसे रखना है और बालों को ऐसे रखना है ठीक है, ऐसे करना है वन। तो आप जब ये करोगे गाइस तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो ऐसे आपको बस उल्टे सेक्शन में क्रिम्पिंग करना है ठीक है। अभी ये हो गया 180 डिग्री मैंने क्रिम्पिंग की, और यहाँ पे है उसका ईयर टू ईयर सेक्शन, तो यहाँ पे आपको रखना है। वापस दूसरा सेक्शन लीजिए ईयर टू ईयर में। तो ऐसे आपको पूरा ईयर टू ईयर जो आपने बॉक्स सेक्शन निकाला है ना, वहां तक आपको ऐसे ही क्रिम्पिंग करते रहना है। तो अभी मैंने ये लिया है वापस 180 डिग्री में पकड़ा है ऐसे उल्टा, ऐसे इसको अंदर रखिए और फिर प्रेस कर लीजिए वन टू थ्री, प्रेस करना है ठीक है क्रिम्पर को दोनों हाथों से, चार। तो मैं ऐसे दो तीन सेकंड का वेट करती हूँ एक एक क्रिम्पिंग सेक्शन करते हुए। तो ऐसे ये हो गया अभी, तो इसको वापस अभी नीचे रखिए, और फिर अभी ये ईयर टू ईयर सेक्शन का मेरा लास्ट सेक्शन है। वापस मैं इसको ले ली हूँ 180 डिग्री में, क्रिम्पर को ऐसे ही अंदर डाल रही हूँ, रूट सेक्शन पहले कर रही हूँ क्रिम्प, और फिर आप लोग आ रहे हुए हो पीछे पीछे। और पीछे पीछे ओके। तो ये हो गया है मेरा पूरा, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना वॉल्यूम दिख रहा है उसके ईयर टू ईयर सेक्शन में, क्योंकि हमने 180 डिग्री में क्रिम्पिंग की है इसलिए। गाइज अगर आप देखोगे तो देखो उसके बालों में कितना वॉल्यूम दिख रहा है गाइज। अभी आप कंपेयर कर सकते हो, ये है हमने जो क्रिम्पिंग की है वो साइड,
और ये है उसका बिना क्रिम्पिंग वाला साइड। तो ये कितना फ्लैट लग रहा है, यहाँ पे देखो कितना अच्छा क्रिम्पिंग है। तो यहाँ पे मतलब मैं कुछ भी नहीं करूंगी, बैक कॉम्बिंग भी नहीं करूंगी ना, तो भी मेरा कितना अमेजिंग पफ आ जाएगा। मतलब जो मुझे करना है मैं कर सकती हूँ गाइज, इतना अमेजिंग। आपको लाइंस बनाने हैं, एडवांस हेयर स्टाइल्स करने हैं, जो भी आपको करना है, आपको बस क्रिम्पिंग करना है अच्छे से आपके बालों को। तो आपने देखा अभी कितना अमेजिंग वॉल्यूम आया है, टेक्सचर ऐड हुआ है बालों में, बहुत ही अच्छे से ये क्रिम्पिंग होगा। तो अभी ऐसे ही आपको ये वाला सेक्शन करना है। बस याद रखिए कि 90 डिग्री में पहले दो करने हैं और उसके बाद के सारे यहां से लेके यहां तक आपको उनके उल्टे साइड में जाके खड़े रहना। मतलब राइट ईयर का अगर कर रहे हो तो लेफ्ट ईयर में खड़े रहिए, उल्टे उल्टे सेक्शन लीजिए और क्रिम्पिंग कीजिए 180 डिग्री में। अभी मैं आपको ये बॉक्स सेक्शन कैसे करना है ये दिखा, हम लोग ये साइड करेंगे और फिर मैं आपको बॉक्स सेक्शन दिखा। तो गाइज अभी मैं ये लेफ्ट साइड का ईयर का कर रही हूँ, तो एक सेक्शन मैंने कर लिया 90 डिग्री में। अभी हम लोग क्या करेंगे, वापस ईयर टू ईयर सेक्शन में दूसरा सेक्शन लेंगे। तो दो सेक्शन आपको 90 डिग्री में करना है क्रिम्पिंग, ठीक है? दो सेक्शन 90 और बाकी के सारे सेक्शंस 180 में। रूट्स पे रखना है, दोनों हाथों पे प्रेस करना है, दोनों हाथों से प्रेस करना है ऐसे। और ये जो इतना ईयर टू ईयर सेक्शन में बचा है अभी, ये सारे सेक्शन हम लोग 180 डिग्री में करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उल्टे साइड में जाके खड़े होंगे। तो ये लेफ्ट ईयर के साइड में है क्रिम्पिंग करना मुझे, तो मैं राइट ईयर के यहाँ पे जाके खड़ी रहूंगी अभी। तो ऐसे ही मैंने अपने सारे सेक्शंस पूरे कर लिए हैं गाइस। ये हो गया मेरा लास्ट सेक्शन भी कंप्लीट। तो अभी आप देख सकते हो कितना प्यारा वॉल्यूम आया है दोनों साइड में बालों में। अभी हम लोग बॉक्स सेक्शन करेंगे। बॉक्स सेक्शन क्रिम्पिंग करते हुए आपको आपके क्लाइंट के सामने खड़े रहना है, सामने। जैसे मैंने आपको ब्लो ड्राई में कहा कैसे करना है सामने खड़े रह के, वैसे ही आपको करना है बॉक्स सेक्शन में। क्लाइंट के एकदम सामने खड़े रहोगे और सामने खड़े रह के आपको अभी क्रिम्पिंग करनी है 180 डिग्री में। मेरा पहला सेक्शन लिया है, पीछे से नहीं ले रही हूं मैं, आगे से ले रही हूँ सेक्शंस को। तो यही सब छोटी छोटी चीजें होती है गाइज, आपको इसी को देखना है और फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैंने आगे का सेक्शन लिया है और फिर इसको मैं अभी यहाँ पे रख रही हूँ और इसको कोम कर लीजिए अच्छे से 180 डिग्री में। मैंने ये पूरे बालों को यहाँ पे सेट कर लिए, स्टार्टिंग में आपको बस एक बार सेट करना है और फिर दोनों हाथों से ऐसे क्रिम्पिंग करते जाना है, दबाते जाइए। तो अगर आप ये ब्लॉन्ड बालों पे या कलर्ड बालों पे क्रिम्पिंग करोगे ना गाइस, तो बहुत ही अच्छे से दिखेगा। मैंने आपको जब फर्स्ट डे पे थियरी समझाई थी तभी भी मैंने आपसे कहा था कि ब्लैक बाल, डार्क ब्राउन बालों पे इतना इजीली स्टाइलिंग नहीं होता है जितना ब्लॉन्ड या कलर्ड बालों पे होता है। तो इसीलिए आप लोगों को अब ऐसे दिख रहा होगा। तो अगर मैं यही क्रिम्पिंग किसी ब्लॉन्ड हेयर पे करूंगी गाइस, तो बहुत ही अमेजिंग दिखेगा, बहुत ज्यादा दिखेगा। बट ब्लैक बालों पे थोड़ा कम दिखता है, और वैसे मैंने माइक्रो क्रिम्पर लिया है तो भी थोड़ा कम दिखता है, बट ब्लॉन्ड पे ज्यादा अच्छा दिखता है कोई भी स्टाइल, इतना हमेशा याद रखना। तो अगर किसी के ब्लॉन्ड बाल है और उस पर आपने देखा कि अरे बहुत अच्छा हो रहा है इस पे स्टाइल, इनके बालों पे नहीं हो रहा है, तो उनके ब्लैक बाल है या डार्क ब्राउन है इसीलिए नहीं हो रहे होंगे। टेंशन मत लो, जैसे जिसका बाल है वैसे ही हेयर स्टाइल होगा, तो कोई उसमें टेंशन नहीं है। आपको बस आपके क्लाइंट को ठीक से समझाना है ये सब चीजें, और फिर नीट कीजिए और अच्छा कीजिए काम अपना बस। तो ऐसे ही आपको अभी ये सेकेंड सेक्शन हो गया मेरा। अभी मैं क्या कर रही हूँ, थर्ड सेक्शन ले रही हूँ। ये हो गया है पूरा क्रिम्पर क्रिम्पिंग। तो अभी मैं सारे सेक्शंस को पीछे रख रही हूँ और आप अभी देख सकते हो कितना अमेजिंग वॉल्यूम आया है उसके बालों पे। तो मतलब ऐसे बालों पे आपको मतलब बैक कॉम्बिंग भी करने की जरूरत नहीं है गाइज, जस्ट बिकॉज हमने 180 डिग्री में क्रिम्पिंग की है, तो ये इतना प्यारा वॉल्यूम आया है उसके बालों पे, तो आप लोग देख सकते हो राइट। तो ऐसे बालों पे आप सोचो कि आप जब भी हेयर स्टाइल करोगे तो कितना प्यारा दिखेगा, और कुछ भी आप लोग कर सकते हो इस पे। देखो कितना प्यारा आ रहा है, मैंने कोई बैक कॉम्बिंग नहीं की है और इतना अमेजिंग इस पे
बाउंस आ रहा है, सब कुछ जैसा आपको चाहिए वैसा है। इसका टेक्सचर भी, इस पर आप लाइंस बनाओ, जो चाहिए आप लोग हेयर स्टाइल कर सकते। प्रेपिंग आपको बस ठीक से करनी है, एक तो आपको ब्लो ड्राई ठीक से करना है, सेकंड आपको क्रिम्पिंग ठीक से करना है। तो आप लोग साइड से भी देख सकते हो कितना अमेजिंग दिख रहा है ये क्रिम्पिंग। तो आज मैं आप लोगों को बस ईयर टू ईयर का ही क्रिम्पिंग दिखा रही हूँ, पीछे के बालों के नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मोस्टली नहीं भी करोगे पीछे के बालों को तो भी चलेगा, बस ईयर टू ईयर आपको हमेशा करना होगा अच्छा पफ एंड स्टाइलिंग के लिए। तो अगर आपको पीछे का भी करना है बहुत इजी है, जैसे मैंने ब्लो ड्राई में सेक्शंस लिए थे गाइस, तो वैसे ही आप ऐसे सेक्शन लीजिए यहाँ पे मिड सेक्शन में, और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं और आपको पूरा क्रिम्पिंग करते जाना है। जैसे मैंने ब्लो ड्राई में सेक्शंस लिए हैं वैसे ही आपको करना है, 90 डिग्री में करोगे सारे बालों का तो बहुत अच्छे से होगा, और क्राउन एरिया का ऊपर जैसे मैंने ब्लो ड्राई में किया था सेम आपको वैसे। बट अगर आप चाहते हो कि मैं पीछे का भी डिटेल में आपको क्रिम्पिंग दिखाऊ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस, मैं आपको पीछे का भी सेपरेट दिखाऊंगी कैसे करना है क्रिम्पिंग, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को ईयर टू ईयर और क्राउन सेक्शन का सिखाया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हो आप कितना प्यारा वॉल्यूम आया है, और ना बैक कॉम्बिंग करने की जरूरत है आपको, कुछ भी नहीं, ऐसे लोगे और एक बॉबी पिन भी डाल दोगे तो भी अमेजिंग वॉल्यूम आया है बालों पे। आज का वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा होगा, आपने बहुत अच्छा सीखा होगा आज के वीडियो से। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरी वीडियो को, और शेयर करना गाइज, और गिव अवे में पार्ट लेना, और अभी मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय एंड टेक केयर।